पार्टी ने आदरणीय शिवपाल सिंह जी को बधाइयों की जिम्मेदारी दी है। हमसे लगातार लोग मिल रहे हैं, शुभचिंतक हैं नेताजी के, तो वो बार बार कहते हैं कि साहब बधाइयों में कब जाना है, कैसे काम करना है। हमें सम्मान करता हूँ आपकी इन बातों का आपकी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव हमारा मैनपुरी में भी होगा। जो साख हमारी बधाइयों में लगी है वही साख हमारी मैनपुरी में भी होगी। इस बात को आप हम लोगों को समझना है कि कहीं हम बधाइयों के चक्कर में अपने मैनपुरी को ना छोड़ दें, ये सोच के कि मैनपुरी और जसवंत नगर तो हमें जीतना ही जीतना। चुनाव जो नेताजी के समय पे उपचुनाव हुआ था, नेताजी के जाने के बाद तब परिस्थिति दूसरी थी, वो चुनाव ये आम चुनाव होगा। इसमें जो वोटर की धारणा है वो बदल चुकी होगी। हमें सबको एकजुट लेके चलना है। नेताजी का जो व्यक्तित्व रहा है, जो काम रहा है, इससे कोई अछूता नहीं रहा है, ये हम आप सब भली भांति जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जनता को भ्रमित करती है, मेरा आप सबसे ये आग्रह होगा कि अगर हम लोग आने वाले समय में बदायूं के चुनाव की बात करें, उससे पहले हम अपने घर को, अपने जसवंत नगर को, अपने मैनपुरी को मजबूत कर ले इतना कि इस मैनपुरी से ही संदेश चला जाए कि आने वाला समाजवादियों का होना चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि 2024 की लड़ाई में आप सब अपना सहयोग समाजवादी पार्टी को दें। यहाँ बैठे वो नेता है, वो चेहरे हैं जो अपने गांव में अगर मेहनत कर ले, अपने गांव में 4 दिन भी घूम लेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख का फर्क का अंतर हम लोग मेहनत करके ला सकते हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि एकजुट होकर हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें।